सो ड्यूलिंगो टेस्ट और आइल्स इंडिकेटर ये क्या चीज़ है? सो रिसेंटली मेरे को इंस्टाग्राम पे रिपीटेटिवली स्टूडेंट्स मेरे को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ड्यूलिंगो टेस्ट देना अच्छा है कि नहीं, क्या हमें ड्यूलिंगो टेस्ट इस टाइम रिसेंटली देना चाहिए बिकॉज ऑफ द कोविड 19 सिचुएशन एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया लॉकडाउन में हैं और वो आइल्स सेंटर सारे लॉक्ड हैं और वो जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी सिचुएशन में हमें आइल्स इंडिकेटर या फिर ड्यूलिंगो का टेस्ट देना चाहिए कि नहीं, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके हार्म्स हैं, हम ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्या हमें ये एग्ज़ाम देने के बाद हमें कॉलेज एक्सेप्ट करेगा, क्या ये एग्ज़ाम देने के बाद हमें कैनेडा का वीज़ा इसीलिए मिल जाएगा? सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल द रियलिटी चेक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करा है इसके ऊपर और हम इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग ये पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल से अवेयर नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं और रिसेंटली आई एम राइटिंग एन ई बुक, सो इट्स गोइंग टू बी सून अवेलेबल फॉर यू गाइस एंड इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस बनाऊं या मेरी जब ई बुक आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप लोग उसको डाउनलोड कर सकें। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, सो लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्स अप गाइस, इट्स आर्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि ये ड्यूलिंगो टेस्ट क्या है और आइल्स इंडिकेटर टेस्ट क्या है, तो ड्यूलिंगो टेस्ट मैं आपको बता दूं, ये बहुत टाइम से चल रहा है। ड्यूलिंगो टेस्ट एक बहुत फेमस एप्लीकेशन है जो इंग्लिश और फ्रेंच सीखने के लिए मोस्टली पीपल यूज़ करते हैं और आप कोई भी लैंग्वेज इसमें सीख सकते हो ऑल दो, बट सिमिलरली ड्यूलिंगो टेस्ट एक अपना एग्जामिनेशन प्रोसेस देता है ऑनलाइन, जो आप ऑनलाइन फिल करके आप अप्लाई कर सकते हो। आप घर बैठे आप बैठ के आप उसका टेस्ट दे सकते हो ईजिली। यू जस्ट नीड अ कंप्यूटर एंड यू नीड अ वेबकैम एंड अ हेडफोन एंड अ माइक्रोफोन सो दैट यू कैन लिसन एंड यू कैन गिव योर स्पीक लाइक स्पीकिंग टेस्ट। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए इसको एक्सेस करने के लिए और ईजिली आप कभी भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आज मेन टॉपिक हमारा ये है कि हमारा मेन कंसर्न ये है इन टू एग्ज़ाम से, आइल्स इंडिकेटर और ड्यूलिंगो से, कि क्या ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। तो वो मेरे हिसाब से कि आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो एग्ज़ाम है क्या, ड्यूलिंगो टेस्ट और आइल्स इंडिकेटर। तो ड्यूलिंगो टेस्ट जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत पुराना टेस्ट है, आज का नया नहीं है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ओवर द वर्ल्ड इसको फॉलो करती है एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो इसका जो एग्जामिनेशन टेस्ट है वो $49 का है, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव दो, बट द थिंग इज यू कैन गेट, बट नॉट लाइक नॉट ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज फॉलो दिस। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो इन टेस्ट को, दोनों टेस्ट को फॉलो करती हैं, जिसकी मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वो यूनिवर्सिटीज़ इसको फॉलो करती हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं और उसमें एक्सेप्टेंस लेटर आपको आ जाएगा यदि आप इन दोनों एग्जामिनेशन को देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आइल्स इंडिकेटर क्या है। आइल्स इंडिकेटर एग्जैक्टली दे लॉन्च्ड देयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द कोविड 19 सिचुएशन, तो उन्होंने टेम्परेरली ऐसा एग्जाम निकाला है एग्जैक्टली लाइक ड्यूलिंगो। तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके देखोगे तो उन्होंने अभी रिसेंटली फ्यू डेज बिफोर, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन और कोविड 19 सिचुएशन सारे सेंटर्स बंद हैं, तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव निकाला है आइल्स इंडिकेटर के, आप ऑनलाइन घर पे बैठे सेम ड्यूलिंगो की तरह आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो उसका भी सिमिलरली ये है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वो टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं। तो उन्होंने बकायदा कहा है कि इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ रियल आइल्स एग्जामिनेशन। ये कोई रियल हम रिप्लेसमेंट नहीं है कि आप आइल्स एग्जामिनेशन नहीं दोगे और ये दे दोगे तो आपको वीज़ा भी मिल जाएगा और एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। द चांसेस आर यू कैन गेट द एक्सेप्टेंस लेटर वेरी इजीली फ्रॉम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। इट्स ट्रू कि आपको कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल है। और आइल्स इंडिकेटर की मैं आपको बता दूँ जो फीस है वो $49 हैं और जो ड्यूलिंगो है उसकी $49 हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस है, तो इफ़ यू आर गोइंग टू गिव आई वुड से कि ड्यूलिंगो बेटर क्योंकि फीस उसकी कम है ऑल्दो, बट स्टिल व्हाट आई फील इज ये दोनों एग्ज़ाम आर नॉट दैट मच यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स राइट नाउ।
बिकॉज एनी हाउ यदि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी लोगे आपको वीज़ा फाइल करना होगा. फॉर वीज़ा फाइलिंग यू सपोज टू बी हैविंग लाइक पेपर बेस्ड IELTS एग्जामिनेशन, द रियल IELTS एग्जामिनेशन और TOEFL एग्ज़ाम और PTE. आपको कोई भी वैलिड एग्जामिनेशन होना चाहिए तभी आपको वीज़ा मिलेगा. तो आपको रियल IELTS एग्ज़ाम होना चाहिए. तो एनी हाउ ये जस्ट अ टेम्प्रेरी रिप्लेसमेंट है सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए. तो इसमें भी एक सिनेरियो हम ले सकते हैं कि लेट्स से कि आपको कि कोई डेसिग्नेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पता है कि जिसके डेडलाइन मिस हो जाएगी हमारे को समथिंग लाइक दैट, और आपको पता है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है और आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो एंड यू कांट वेट टू गिव योर रियल IELTS एग्जामिनेशन बिकॉज अभी लॉकडाउन है आप और IELTS एग्जाम नहीं दे सकते. तो आप इस रिप्लेसमेंट को यूज़ कर सकते हो, इस लाइक ड्यूलिंगो का एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर IELTS इंडिकेटर दे सकते हो. बट स्टिल वंस इवन इफ यू गेट द एक्सेप्टेंस लेटर आपको स्टिल आपको IELTS का रियल एग्ज़ाम अपियर करना पड़ेगा और अपना स्कोरिंग कार्ड यूनिवर्सिटी को भी भेजना पड़ेगा एंड यू हैव टू सेंड वाइल फाइलिंग योर स्टडी वीज़ा. तो आपको रियल स्कोर भेजना होगा वीज़ा के लिए. तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत यूज़फुल है. इट्स बेटर कि आप इस टाइम अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर करें. और देर आर यूनिवर्सिटीज़ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मास्टर्स तो देर आर यूनिवर्सिटी ट्राई टू फाइंड फॉर रिसर्च असिस्टेंट. प्रोफेसर्स को ईमेल करें और वो करें ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज ये टाइम पे आप IELTS एग्ज़ाम भी नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं दे पा रहे. तो इट्स बेटर कि आप वो टाइम आप उसमें यूटिलाइज करके कोई एक प्रोफेसर ढूंढ पाएँ जो आपको फंड कर पाए और आपकी मास्टर्स फ्री हो जाए. तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू डू. और ट्राई टू आई वुड से ट्राई टू टेक सम गैप और ट्राई टू कम इन जनवरी इनटेक और नेक्स्ट ईयर बिकॉज दिस ईयर आई डोंट फील द सिचुएशन इज गोइंग टू बी बेटर एंड इट्स प्रीटी हार्ड. तो मैं इस चीज़ को लाइक कि क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे यदि आप लोग रिसेंटली आने वाले हो या आ गए हो या फिर सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस कनाडा में करंट सिचुएशन के वजह से आपको फेस करने पड़ सकते हैं. तो इस टॉपिक पे मैं अनदर एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ तो उसमें आपको मैं ये सब चीज़ें कवर करूँगा. कोई भी आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपके रेज हुए हों, जो भी जो चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो. आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा. एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप लोग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. सो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.